फेराडे फर्स्ट लॉ, वेट, जो वेट है वो कुद्दी हो जाता है चाहे जमा हो जाता है इलेक्ट्रोड पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, चार्ज का। जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित किया जाता है, मैथमेटिकली गणितीय रूप से वेट ऑफ सबस्टांस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, प्रोपोर्शन हटाए तो जेड आया। और जानते हैं हम लोग क्यू बराबर आई गुना टी, आई क्या है इलेक्ट्रिक करंट और टी क्या है टाइम, तो इलेक्ट्रिक करंट गुना टाइम बराबर चार्ज, क्यू बराबर आई टी। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, तो W बराबर क्या हो गया जेड आई टी, W बराबर जेड आई टी। तो विन को हिंदी में क्या बोलते हैं, जीत। ये न्यूमेरिकल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जहाँ W क्या है तत्व के भार का कुद्दी हो जाना है, किस में, ग्राम में। क्यू क्या है अमाउंट ऑफ चार्ज पास हो रहा है, किसमें, कूलम में। आई हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो कि एम्पियर में दिया गया, स्मॉल टी है टाइम है जो सेकंड में दिया गया, और जेड क्या है एक तरह का कांस्टेंट, यहाँ लिखा हुआ है नॉन, एक कांस्टेंट है। हालांकि उसको जानते हैं क्या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के रूप में, यदि एक एम्पियर करंट को टाइम कितना है 1 सेकेंड, यदि एक एम्पियर करंट को 1 सेकेंड तक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पास करने पर, मतलब प्रवाहित करने पर, तो क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। तो आई इलेक्ट्रिक करंट है 1 एम्पियर और टाइम कितना है 1 सेकेंड, तो एम्पियर इंटू सेकेंड क्या हो गया कूलम, तो क्यू बराबर हो गया 1 कूलम। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो गया जेड, या डब्ल्यू हमारा क्या वेट ऑफ सबस्टांस डिपोजिटेड, और जेड है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जब इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाता है, चाहे जब इलेक्ट्रोड पर 1 कूलम चार्ज को पास किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। इसी तरह से हमारा फेराडे फर्स्ट लॉ ख़त्म हुआ, एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।